बात वो नहीं बैठे कैसे, इतनी इसलिए बैठ गया गाड़ी में क्योंकि भंडारा हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है भंडारा। तो अभी रिसेंटली सरोज जोशी का गाना आया नया वाला, ये बहुत ही मस्त गाना है बाबा। मैं जानू 250 किलोमीटर 25 रुपया हम टैंक फुल कर दो। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह सुबह का टाइम है और हम आए हैं मामा जी की दुकान पे। देखिए ये दुकान है अपने मामा जी की। तो क्या है कि इसमें जो रूम था ऑफिस था उसमें कचरा बहुत हो रहा था, तो हमने सोचा एक डस्टबिन ले लें और एक ये ले लिया अपन कचरे फेंकने वाला, और एक अपन ने ले लिया झाड़ू और एक कचरा फेंक देख लाना। बाय भी चाहिए कोई हुई तो कमेंट बॉक्स। बिल्कुल कचरे के साथ में सोना निकल के आता है। और दिक्कत आई हमको नहाने के लिए, तो हमने एक बाल्टी भी ली है, बाल्टी भी ये नहाने के लिए, और ये नहाने के लिए घर के नहाएंगे, और ये है अपनी धोने के लिए नहाने धोने वाली सब। भाई कैसा लगा झाड़ू अपन को, तभी जब जाकर घूम फिर के आप थोड़ी फेस देख लो अपना सकल समाज में। यार मैं तो बहुत बुरो लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरो था मुंह से तनक काम। तो मामा कितने का है? अरे यार बांधे के लिए फ्री में हूँ। देखा ये तो ये होता है फायदा अपने वाले की दुकान पे आने का, पता है सबसे आगे फोन भी रखता हुआ है दिल पे। मतलब बोलते नहीं खाली सारे में तो भाई की ब्लॉग है। तो देखा आपने अपना है रिश्ता बांधे का यार कांच के साथ ही है। क्या मामा ने तो डायलॉग मारा कि पेमेंट देना पड़ेगा। पैसे नहीं लेना भैया, हमारे से नहीं जाए लौट के। अब आगे के लिए सफर जा रही है। लो तो अरे सुन सुन तो हां मम्मी को इनके के लिए पूरे सामान 50,000 रुपया अपन ने गुस्सा हो गया। ठीक है मामा जी दुकान से अभी हम शॉपिंग वगैरह करके निखिल भाई को और निखिल भाई को वहाँ पे छोड़ के और मैं अपने घर पे आ गया था। और यहाँ पे आके मैंने फटाफट नहाया नहाकर और खाना खाकर मैं रेडी हो चुका हूँ और वहीं जा रहे हैं शूटिंग के लिए। तो मिलते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं नीरज भाई के घर पे, अब वो भी लगभग रेडी हो चुके होंगे, उनको देखते हैं ऊपर जाके रेडी हुए हैं कि नहीं, फिर निकलते हैं शूटिंग के लिए। जा रहे हैं सुबह से लगे हैं। निखिल भाई रेडी हो आप? ऑलवेज रेडी बेबे। इंसान रेडी नीरज भाई बोल मत जाइए। और अरे ब्लॉगिंग ब्लॉग तो भाई साहब मैंने आज 8 या 9 दिन में नहा ला, मेरे का उम्मीद है हीरो में से लगूं मैं। जई वजह नहीं नहाऊं कि नहा के फिर कोई फायदा नहीं हो पाए कि तुम भाई चार बार पाउडर लगा रहा है। पाउडर नहीं लगा यार, MG5 भाई जेल। ये घर बने रही है आज दिन भर, क्या करते हैं हम? शूटिंग के लिए जा रहे हैं फिलहाल, वहीं मिलते हैं आप रास्ते में। बाय बाय। मन हीरो ना बनना विलेन रहन दे। अच्छी लैंग्वेज है। हाँ बढ़िया है, दिक्कत नहीं है। तो भैया और हम निकल चुके हैं घर से जब शूटिंग के लिए, बिल्कुल आ रही है झमाझम। और ब्रेक करते कमेंट करेगा जब तुम्हें बुंदेलखंडी नहीं यहाँ पूरी। तो भैया कहे कि हमसे मिलो ना। ये भैया और हमारे साथ हैं निखिल भाई, बुंदेलखंडी। निखिल भाई बोल रहे थे बुंदेलखंडी, तो साथ साथ अपन भी बोल ले बैठे हैं। हम नीगरा बोला थे यार, तुम्हारा का मिक्स कर रहे हो। अरे यार हमारी बहेगी मिक्स वेज सब्जी नहीं है, दूध में ना बुंदेलखंडी मिला रहा है, कोई पानी मिला रहा है। तो भैया हमारी बोली हमें ही पता नहीं कौन सी है। ये अपना वही वाला महिंद्रा शोरूम में जो रखता है ब्लॉक में, अपन ने गिफ्ट लेने गए थे स्कॉर्पियो यहाँ पे, लेकिन मिल नहीं पाई थी। ये भैया फल वाले बहुत ही बढ़िया मीठे स्वादिष्ट फल मिलते हैं यहाँ पे, पर इतने महंगे हमने औकात से बार आज तक नहीं खरीद पाए। हाँ बस दिक्कत यही है, बस फल तो मीठे हैं लेकिन उन मीठे फलों को खरीदने के लिए जो मनी लगती है ना वो हमारे पास नहीं है। हमेशा हमेशा की तरह भैया कई बार बहुत इमरजेंसी में घर जानो, बिल्कुल दूर से ही लगो पो हेलीकॉप्टर बना के निकाले, तो खाली रोड पड़ो फिर भी वो पो बंद ही नहीं है। और ऐसे आदमी का एक अलग ही कानून बने हो। पर मैं कब बनूंगा? जरूर बस आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। नेतागिरी तो पसंद है। बस आप बन तो जाओगे, आपको एक कुर्ता पजामा पहनो वाइट वाला, एक कोटी पहनो, तो भाई कोई नेता बने ही जाओगे। वो लोगो है भाई, लोगो है बस, वो तो स्नेतवी बन जाओ युवा नेता फेसबुक बारे। आज हमने सर्दी में कम्बल बांटी गरीब उनका है। वो भीड़ बड़ा कम फोटो भेजवा के नेताजी के साथ बिताए कुछ यादगार लम्हे। लेना तो यार झाड़ू अपने का है। हाँ खानदानी झाड़ू बना पा रहे, ये बहुत पुराने
ओपन आ गए भैया बाईपास पे अभी सिर से छान 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 बाईपास नहीं है भैया दादा पास है जो जी अपने भैया जी हमने बताया टोल टैक्स ये भैया ये टोल है इधर आगे और ये अपने तो अपन ने टोल टैक्स बचायो अपन खान के अंदर जा ये कोई अभी जानो उतने छोड़ के इतने जाओ इतने से पूरा पूरा टोल टैक्स बचे हाँ चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता देंगे अपन चिल्ला चिल्ला यार अपन आस पास की कब तक टोल देते फिर साइकिल वालों का करो यार अरे तो अपन भैया इतने करोड़पति नहीं यार रोज रोज टोल देंगे अपना रोज को काम है में टोल वारे माने ही नहीं लग तुम भैया दूर के 3 किलोमीटर दूर रहे कोई तीन लगे बस पड़ोसी गांव पड़ोसी जो टोल के बगल में जो घर है ना गांव है वो बस बिनका छूट हैगी हम थोड़े दूर करे यार टोल से तो हमका छूट ही नहीं 2-3 किलोमीटर बस फिर भी छूट नहीं है रोज को टोल दो टोल में जितने पैसा ले उतने घर के हमें पैसा ही दे रहा है खर्चा करो बिना टोल दे के हमका कर अब तुम बताओ भैया एक बार अपन ने देख लिया सोच का ट्रस्ट था आज तुम भी देख लो फुल एड्रेस के साथ कभी मौका लगे तो निकल जाइए शॉर्टकट हम ये निकल जाए यार दादा हम 1 घंटा से लाइन में लगे वो निकाल के ले गए मैं सोची वो क्रॉस कर रहा है जिसमें रुक गए तो पानी स्कूटी उड़ जा रही जोर खड़ो होगा नेता सर कर ले वो अलग नेता बन रहा पीछे जो भी रेव लेके ले भैया हम फिर आगे हो जाएंगे सब टोल टैक्स बचावे के लफड़ा है भैया सब टोल के मार घूम रहा है सब ये हमसे आगे निकल रहे थे लेकिन अब हम फिर निकल जाएंगे यार बाकी बस नहीं चल रहा शटर खुली होती ना शटर छोटी कौन सी जानते हम से रेस करेंगे ये आजकल के छोटे छोटे बच्चे तो भैया देखो अपने शॉर्टकट सस्ता जो अपनो सीधे भोजपुर रोड है जो अपने सीट पकड़ लिए वालों वहां से छान गांव वहां से घुस लो अंदर गांव में डिस्क्रिप्शन में देख लियो कोई लोकेशन नहीं मिलेगी तुम्हें बता दे रहे सेकंड हैंड रास्ता की जो बैरिकेड लगा तो भाई आसपास के लोग परेशान तो हो ना यार आसपास के लोगों का 10 किलोमीटर तक छूट होना चाहिए मेरे हिसाब से हाँ। यार भाई अपना रोज कोई काम है रोज रोज टोल टैक्स से दंगे यहाँ पे आज लड़ाई होती रहती टोल पे हर का तो भाई लड़ाई हो रीजन जो है वो ना हर 10 किलोमीटर पे टोल मांग रहा है 3 किलोमीटर वाले तक टोल मांग रहा है अब आदमी रोज निकल रहा है कहां तक टोल दे बिल्कुल पास वाले क्यों ले रहा है वो खैर नियम तो है वो सही बात पास वाले टैक्स नहीं लगे वो अब रोज रोज आदमी टैक्स थोड़ी देता और मेरे हिसाब से टैक्स रखना ही है तो लोडिंग गाड़ी पर रखो जो रोड पर चल रही है उसका रोड का उपयोग कर रही पूरा क्योंकि वो पैसा कमा रही है अब आदमी वो तो पैसे उजाड़ रही है ना फालतू घूम रहा है तो तुमसे कहा का टैक्स लोगे यार तुम रोड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है वहाँ 7-8 घंटा हो रहा है वहाँ पैसा लग रहा है चल तो देख लो भैया आँख खोल खोल के जा सही देखो तुम तो खूब आ भैया खूब जाओ तुम तो और या वीडियो अच्छे शेयर कर दी थोड़ी के आदमी का रास्ता पर चल जा शॉर्ट कट कर तुम्हारो कभी आना हो तो तुम्हारा टोल मोल बच जा देखो जो है वो अपना टोल टैक्स जो अपना टोल टैक्स है वो जो सीधो रोड का जो 11 मील वाला टोल टैक्स देख ला रास्ता पूरा इधड़ा कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है और अगर रास्ता बताने पे अगर कोई अपराध है तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं उसके लिए पहले ही क्षमा मांग रहे हैं कोई नहीं आगे चल रहा क्या बॉडी शूट करा तनक कांच के ऊपर कर देख लियो कर अभी सकल तुम भी बताओ करियो समझ रहे रुक लो अपने बॉडी हमारे साथ जो नीरज भाई है ना उनने का मतलब बहुत कर रहा दिमाग लगाया है कैसे दिमाग लगाया है यहाँ पर ये जो है ना ये पुलिस है तो ये चेक कर रही है ठीक है तो मतलब चलान कट रहा है तो इनने कहा करो सुसु को बहाना करके उतर गए जी हमारे कितने का चलान बेत ऐसे उतरे कि मैंने सही में लगे ये चीजें चल रहे तू तो जान दे यार रोक के देख ही जाएगी और का नहीं ईमानदारी से बताओ डर लग रहा हो तो ना नहीं ये कद एक कर रोक रहा है गाड़ी ये तो जोन बेल्ट देख रहा है सीट बेल्ट नहीं लगा तो भैया कहीं भी जाओ सफर पर सीट बेल्ट बहुत जरूरी है जो अपन ने लगाना है बिल्कुल तो नियम बहुत जरूरी है वो तो गाड़ी में बैठना ये तुम तो नियम बना लो पक्का
मैं तो कहूँ ऐसी गाड़ी आनी चाहिए कि जो टिकट स्पीड पर लगा स्टार्ट ही ना हो। नीरज भाई ऐसी गाड़ी तो मैं करो तो आदमी कहे कि सुधर जाओ थोड़ो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी तो मजबूरी हमारे साथ बिल्कुल बनना चाहिए सही में। हाँ देखो नीरज भाई तो अभी जो सीन था आगे चेक इन चल रही तो कैसा लगा आपको? अरे क्या भले ही मतलब पुलिस के नाम से ही मतलब थोड़ा अंदर से वो डर लगता है, हालांकि अपन गलत नहीं है कहीं से कहीं तक लगे कि अपन ने आज तक चोरी नहीं करी, पर ऐसे फील हो सामने पुलिस देख के जैसे अपन बैंक लूट के आ रहा है और जैसे अपन पकड़ गया। ये देखिए कहाँ हंसी वादियाँ मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करूंगा अनजाने में जाने तमन्ना लो सफर शुरू हो गया। देखो कितना करो सीन आ रहा, देखो बस रखे रहे चुपचाप रखे रहे तो लगता है मत कॉल बिल्कुल धीरे धीरे जा साइड को पहले सीन कर लो ऐसे भाई थोड़ो तो बस साइड को ले ली शाम के निकलवाइए पकड़ा दे कर दे गए। चाहती हूँ मैं जल्दी है क्या धड़के जिया वो क्यों भला खुद से ही डरने लगी मैं प्यार करने लगी। ये हमारी गौ माता है वो गाड़ी आ रही लगी लगाई और मैंने गुजरात चल रही थी ने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे तुम सनम सातो जन्म मिलते रहे हो ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही मिलते रहे हो भाई कोई मिलने आएगा ना वो डर ही जाएगा ऐसा कौन मिलता है यार ऐसे। नीरज भाई मिलते हैं अपने काका का जो नया गाना आया है काका सुना कौन सा है मिट्टी दे मिट्टी दे मिट्टी मिट्टी और गाना में मिट्टी के अलावा कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहा हो और सुन इतनो रहे हैं कि दिन भर वो ही सुन रहे हैं। अच्छा है गाना बढ़िया लग रहा है बस शब्द समझ में नहीं आ रहा है। बस जो उसके लिरिक्स जो है उसके बस मिट्टी मिट्टी और टिप्पी मिट्टी टिप्पी ऐसा कुछ है बहुत मस्त। ऑडियंस की भारी डिमांड पे वो ही चलाओ जा रहा है चला ही नहीं मात्र 100 जनों की डिमांड पे भैया मान नहीं रहे आप ये फिर भाई में घुस खिलाने दे रहा है इंडिकेटर जू मारो। हाँ यार सही में इंडिकेटर बहुत सही जगह आप दे रहा है यार ये इंडिकेटर दे रहा है लेकिन एक नंबर ये भैया आ गए अपना ईधन अब पेट्रोल टैंक आ गया अपन ओ हो जो बंद है वो यार भैया ज्यादा नहीं डालवाते यार 25 रुपया उड़ाल देते चालू है चालू काम करो प्रैंक करिए 25 को डालवा आओ 25 को आओ ठीक है तो भैया हम 25 रुपये में टैंक फुल करवाएंगे आज लो भैया 25 को डाल दो हाँ जा रहा है। भैया हमें जानो 250 किलोमीटर 25 रुपया में टैंक फुल कर दो 25 रुपया हाँ हो जाए। अरे यार पहचान है भी नहीं माने यार दिक्कत जाओ भाई ये पहचान है हमारे का जहाँ प्रैंक सक्सेस नहीं हो पाएगी। चलो वही नए पेट्रोल पंप पे करेंगे ये पेट्रोल पंप पे शूटिंग की पर है बात कर लो यार हमें पक्की बात है नहीं पूरी वीडियो बनाऊं दिन भर है ना ठीक है भाई मैं कह रहा है आप कौन ओनर कौन है बात करवा दो नंबर दो कॉन्टेक्ट नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दे दो आपके हमें शूटिंग करना है पेट्रोल नंबर ले लो वीडियो वीडियो बहुत नंबर क्या नाम है तुम्हारा जो रोहित नंबर था वो नाम रोहित था वो तुमसे संपर्क हुआ सीधे तुमसे होगा यार संपर्क गौरव भाई का अभी तो इतना ही जा रहा है यार एक सीन है वो छोटा बार निपटा यहाँ पर था पैसा दे दे नहीं दे यूट्यूब बारे बस इतनी कृपा कर रहा है कि पाले जी खा रहा है चाय में डोबो डोबो के चाय में नहीं पानी में चाय ज्यादा हो गई कितनी कमाई हो रही है अपने यूट्यूब से यूट्यूब से वही गोली बिस्कुट आजा आपने 20-25 को पेट्रोल डरवा कार से घर आंगन घूम लू संतोष घर तक घूम आऊ बस और प्रशांत की कृपा भैया कार्ड दे रहा है प्रशांत बस और चाहिए जीवन में इतनी कृपा बहुत है इतनी कृपा बहुत है ठीक है भैया है ना बता दें तुम्हें फोन करके पेट्रोल स्टार्टिंग में आके हमारों ने डलवाओ 25 रुपया मतलब सीरियस में जाके हमने कही 25 को डलवाओ मतलब जाना ते नीरज भैया है बताओ इतनी खतरनाक यूट्यूबर 25 को पकड़ो
मैं समझ गए थे यार प्रेम करना। सुनिए ये गाना पापा का। बलनी तेरे कमरे दी खिड़की दी तख्ती ते लिखे आए ना मेरा कोई बिठी जिथे चाचे तेरे ने वही आ जाने गना तेरी चुल्ले किन्ना बोलदी चौकी तोड़दी तेनों ऐसा की दिखिया के बाकी दिल अभी कैप्चर हुआ भाई बाल बाल बचा ये बंदा ये सिलेंडर वाला मतलब यूं यहाँ से कट मार के यूं निकला कि मैं क्या बताऊं। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी गलती ना हो लेकिन अपन चलो सावधानी से लेकिन दूसरा कोई अपनी गाड़ी में घुस जाता है। मैं देख लेता हूं कोई टक्कर जैसी लगाई जा रहा है। हम पहुंच गए अभी राशन रोड पर बंदे नहीं हमारे साथ भाई सौरभ जो की गाना ही गा रहा होगा। अरे बहुत तेज एक नंबर है। अरे तो अभी रिसेंटली सौरभ जो की गाना आया नया वाला ये बहुत ही मस्त गाना है बाबा। हम जलते हैं सौरभ जोशी से। हम सभी यूट्यूबर से जलते हैं भाई। बहुत ज्यादा जल रहा है। हमको जलन होती है उनके अच्छे व्यूज आते हैं हमारे नहीं आते। अपनी अपनी वही वाली लोकेशन पर छावनी राम आजाद सूटन का रंग बच्चे लोग तैयार है अपने स्टूडेंट बिल्कुल आते ही पहचान लिया भैया आ जाओ। बोला है बच्चों में दबदबा क्रेज है नीरज भाई का। ग्राउंड में भरा है पानी देख राजा और राजा 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 कोरे जामे से मजा। नीरज भाई कहाँ चलना है? अपन को चलना भंडारे में। कहाँ पे भंडार? अब वो अपनी वीडियो में काम वो अन्नू ठाकुर नहीं अन्नू ठाकुर अरे ठाकुर ठाकुर किस्मत देव को भंडारा मिला भंडारा तो शूटिंग वही है लेकिन हमको मिल गया भंडारा तो इसको करते ही खत्म और चलते हैं भंडारे में। आज का शूट खत्म है चलते हैं फिलहाल भंडारे में देखते हैं क्या मिलता है खाने को। बैठो बैठो जल्दी बैठो चलो इनको बना ले यार लोग मोड़ा मोड़ी आते रहे वीडियो में बेचारे दिन भर परेशान हो देख सकते हैं कैसे बैठे भंडारे के चक्कर में। बात वो नहीं बैठे कैसे इतनी इसलिए बैठे गाड़ी में क्योंकि भंडारा हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है भंडारा और नसीब वालों को मिलता है भंडारा जैसे कि हमें मिल चुका है आज। बोलो सही बात पे जय श्री राम जय श्री राम। तो मोड़ा मोड़ी बहुत परेशान हो रहा है यार वीडियो में आवे का तू ब्लॉग में ही ले लेना इनका कुछ नहीं तो दिन भर में देखते रहे दिन भर शूटिंग जाए चक्कर में देखे हमें छोड़ लो सीन मिल जा ले लेना यार वीडियो अपने अन्नू भाई इनके यहाँ पे था भंडारा ये देखिए स्वयं नुक्ति बांट रहे हैं अपने हाथों से। आज हमारे सुबह से शाम तक के सफर में हमारे नसीब में भंडारा भी था जो कि हमें मिल चुका है और बहुत ही बढ़िया दिन गया आज का। अब कल देखते हैं क्या होता है और बाकी लोग करते हैं खत्म मिलते हैं कल नेक्स्ट डे जो भी होता है। भोजन कर घर जा रहे घर जा रहे हैं बाकी सो जाएंगे फिर कुछ करेंगे नहीं। जयराम जयराम जी की।